दोस्तों, फूट गया भांडा। डॉक्टर बिटिया की दोस्त ने ही दिया था सबसे बड़ा धोखा। सब कुछ जानते हुए भी नादान बनी रही। कोलकाता डॉक्टर केस में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आरजी कर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में अभया को तड़पा तड़पा कर मारा गया, उस सेमिनार हॉल के बगल एक बाथरूम था और इसी बाथरूम से चौंकाने वाले राज खुले हैं। अभया की लाश जिस हालात में मिली, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उसके आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, पैर चीरे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएंगे कौन है असली दरिंदा। सामने आई बंगाल की बिटिया के साथ घिनौना काम करने वाले दरिंदों की तहखाने वाली वीडियो चश्मदीद ने बताई उस रात की पूरी कहानी। एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा दरिंदों ने किया था गलत काम। सहेली ने ही दिया सबसे बड़ा धोखा। अब तो फांसी पक्की। सीबीआई ने दबोच लिया डॉक्टर बिटिया के कातिलों की गर्दन। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया के कातिलों को सरेआम लाल किला पे लटकाकर फांसी दी जाए, तो कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और दरिंदों को भयानक से भयानक सजा मिले। इसलिए आपका कमेंट करना और लिखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, डॉक्टर बिटिया को मारा गया और संजय रॉय के अलावा भी लोग शामिल हैं, ऐसा दावा किया गया। और यह दावा अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय नाम सुनाई दे रहे थे, अब एक और जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ी है, जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे, उसने खुद बताया है। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था, जिस दिन अभया की लाश मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को नर्स नहीं जानती थी। जब नर्स ने उससे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी, PRBC उसने दिया है। और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके कपड़े पर लग गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर PRBC दे रहा था, तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर नर्स वहां मौजूद नहीं थी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में 2 सनसनीखेज तथ्य सामने आए। एक, नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा, तो उसने अपना नाम नहीं बताना चाहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है, उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह PRBC ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। सूत्र के मुताबिक नर्स ने पूछताछ में बताया कि जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 बार मरीज के पास गया। नर्स ने पूछा कि क्या जूनियर डॉक्टर ने दस्ताने ठीक से पहने हैं, तो उसने कहा हाँ, और मैं नहाना चाहता हूं क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और 1 डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा, जिस सेमिनार हॉल में अभया चीख चीख कर तड़प तड़प कर मर गई। उसी बाथरूम में नहाने की क्या जरूरत थी, उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने 9 अगस्त की 24 घंटे बाद 10 अगस्त को सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे टुड़वा दिया गया, जहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वही डॉक्टर शामिल था, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें बड़े दावे किए जाते हैं कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर, जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल थी, जो अभया की दोस्त बताई जाती है, और उसने मिलकर अभया को तड़पा तड़पा कर पहले मारा। फिर संजय रॉय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसे कहा कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है, जाओ सेमिनार हॉल में। और फिर संजय रॉय जाता है और अभया की लाश के साथ दुष्कर्म करता है। तब तक अभया जिंदा रहती है। आखिरी सांस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दें कि ऑडियो कथित लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा था, जिसमें उसने बड़े खुलासे किए थे। उसने कहा कि अभया बड़ा खुलासा करने वाली थी संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष आरकार मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था।
उसका दावा है, और लड़कियों से इंटर्न से सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था। इंटर्न्स को पास करने के लिए पैसे मांगता था, और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था। संजय रॉय के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था, और यही वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिसका प्रिंसिपल वहां से निकाला जाता है, और उसके कुछ ही दिन बाद उसे दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति मिल जाती है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाया। तो ये एक नया एंगल सामने आया है, और इस ऑडियो पर अब चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा क्या कुछ खुलासा सामने आता है। डेट, कौन है असली दरिंदा? सामने आई बंगाल की बिटिया के साथ घिनौना काम करने वाले दरिंदों की तहखाने वाली वीडियो। चश्मदीद ने बताई उस रात की पूरी कहानी। एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा दरिंदों किया था गलत काम। अब तो फांसी पक्की। सीबीआई ने दबोची डॉक्टर बिटिया के कातिलों की गर्दन। क्या है पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी इस पूरी वारदात, इस पूरे केस को लेकर के लग चुकी है। जिस कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर अब तक फॉरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और लगातार हर सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उस मामले को लेकर के, इस पूरे केस को लेकर के जो अहम सबूत था, वो सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम से सीबीआई को बरामद हो चुका है। जी हाँ, वही बाथरूम जो कि इस पूरी वारदात के बाद तुड़वा दिया गया था आरोपी संदीप घोष के तरफ से दिए गए निर्देशों के आधार पर। लेकिन अब सीबीआई के हाथों वह सबसे अहम कड़ी, वह सबूत, वह वीडियो हाथ लग चुकी है, जिसमें इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय सहित 4 डॉक्टर, जिसमें 2 ट्रेनी डॉक्टर और 2 अलग सीनियर डॉक्टर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के अब उस रात, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात, जो नर्स यहां पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है इस बाथरूम से मिले अहम चुराग को लेकर के। साथ ही साथ इस बाथरूम को किसने उस रात यूज किया था, उसका भी नाम सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चौंका दिया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में अब तक दरिंदों के सामने होने की बात की जा रही थी, यानी कि अब तक जो भी आरोपी थे वो सिर्फ पुरुषों को लेकर के बात सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है, और वह भी कोई और नहीं बल्कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्य, यानी कि डॉक्टर बिटिया की दोस्त बताई जा रही है, जो कि उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रही है। और इस मामले के सामने आने के साथ ही अब पूरा मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या हुआ था। और अब यह भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी संजय रॉय है, उसने भी अब अपने कई बार बयान बदलने के बाद जो इस बार बात कही है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी दंग रह चुकी है, क्योंकि अब संजय रॉय ने इस पूरे मामले में उन 4 डॉक्टर के नाम बताए हैं। अब तक बता दें कि आरोपी संजय राय बार बार बदा बदल जरूर रहा था, लेकिन उसने किसी के नाम नहीं रखे थे। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है, उसे सुनने के बाद सीबीआई चकरा गई है, और उसने इस पूरे मामले में 4 डॉक्टर के नाम भी सामने रख दिए हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? कौन सा वो सबसे अहम फुटेज था जो कि अब सीबीआई के हाथों लग चुका है, वह भी आपको इसमें दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में RIP RIP जरूर लिखें, और साथ ही साथ यहां भी लिखें वी वांट जस्टिस, ताकि डॉक्टर बिटिया की आत्मा जहां कहीं भी हो, उसे इस बात का सुकून जरूर मिल सके कि उसके साथ हुई इस पूरी दरिंदगी को लेकर के अभी भी उसके साथ बहुत लोग खड़े हों, और इस बात का संतोष उसे जरूर मिल सके। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सीबीआई बहुत करीब पहुंच चुकी है, और अब इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर आई है, शायद उसको आपने अभी तक कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरे मामले को लेकर के पहले भूमिका बनाई गई थी, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के तैयारियां पहले से ही चल रही थीं, और अब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी वहां सिर्फ संजय रॉय, संदीप घोष नहीं बल्कि 4 डॉक्टर्स को, और यहां तक कि एक डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र, यानी कि वही की ट्रेनी डॉक्टर को भी पहले से पता था।
और इन सब ने प्लान करके इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया और इस पूरी दरिंदगी को वारदात देने में इन सभी का हाथ रहा है। जी हाँ, इस वक्त खबर सामने आ रही है। वह बताने से पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब आपको जो पॉइंट है वो बेहद समझने जरूरी हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को बेहद ध्यान से जरूर सुनिए। अब बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की शाम से ही, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास। और अब यहाँ पर सामने आता है ट्रेनिंग हॉल, यानी कि जो सेमिनार हॉल था वहाँ से वीडियो शुरू होती है। और यहाँ से बात सामने आती है कि डॉक्टर, जो हमारी डॉक्टर बिटिया थी, वह अपने महिला दोस्त और अपने कुछ ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठ करके लगभग 8 बजे सेमिनार हॉल में खाना खाती है। पहले इस मामले में जो महिला डॉक्टर थी उसका नाम नदार था, लेकिन अब वह महिला डॉक्टर भी सामने आ चुकी है। इस मामले में बता दें कि जब उसने खाना खाया और उससे खाना खाने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, और उस बीच भी उसे अपनी माँ से बात हमेशा करनी होती थी। जैसे कि माँ का बयान सामने आया था कि वह अपनी बेटी से 8 बजे के बाद डेली वीडियो कॉल पर चैट करती थी, लेकिन उस दिन उनकी बिटिया ने उन्हें कॉल नहीं किया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि बिटिया को मैच में या फिर जेलियन थ्रो जैसे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात सरासर झूठ है कि वह रात के 1 बजे तक बैठ करके मैच देख रही थी। और अब वास्तव में यह बात सामने आ चुकी है कि उस दिन जब उसे खाना खा रही थी, यानी कि डॉक्टर बिटिया जब खाना खा रही थी, तो अब एक नई बात सामने आई है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा, यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी जिससे उसके तेज नींद आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, डॉक्टर बिटिया को तेज नींद आती है और वह कहीं जाने के बजाय ऐसी हालत में नहीं रहती, तो वह उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। और जैसे ही वह सो जाती है तो वहां साथ बैठे ट्रेनी डॉक्टर जो थे वह स्लीप रूम में जाकर के सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी, और इसके बाद रात देर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वह आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में ये जाते हुए देखा था। और जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दो एक पेशेंट के जो कुछ सर्जरी में उसे खून की छींट आ गई है और इन खून की छींट की वजह से वह अब नहाने जा रहा है। जब यह बात उन्होंने बोली तो उस वक्त वहां पर वो नर्स मौजूद थी। हालांकि अब उस नर्स का जो बयान आया है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि वो जो डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर, उसे वह नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आर्य कॉलेज के अंदर कभी भी देखा भी नहीं था। यानी कि वह जो भी था, जिन्हें ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा है, वास्तव में उसका डॉक्टर का यहाँ से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि उस रात जो आए थे वो कहीं बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था। और इस पूरी वारदात के बाद अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उस वॉशरूम को यूज करने के साथ ही उसने कई खून के धब्बों और छींट को धोया था। हालांकि बाद में अब इस मामले को कब स्थूल पकड़ा जब सामने आई एक और बड़ी वजह सेमिनार हॉल से सटे इस वॉशरूम को, अब जब सामने बात पूरी आ गई, इसके बाद संदीप घोष ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उस बात से करीब सेमिनार हॉल में लगे जो CCTV कैमरे हैं उसे भी हटवा दिया गया था कुछ दिन पहले। यानी कि इसकी पूरी तैयारी प्री प्लान चल रही थी। और इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया डेली बैठती है, इस बात की जानकारी इनको पहले से थी और पहले से ही लगातार इस बात की जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी कि क्या कब कितने बजे वह करती है, और उसी आधार पर इस पूरी वाकया को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, अब संदीप घोष जब इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुका है तो वास्तव में अब जो सामने आ रहा है वह और भी डरा देने वाला है। संदीप घोष के ऊपर अब तक सिर्फ कुछ आरोप सामने आए थे, लेकिन अब जब संदीप घोष के फार्म हाउस पर CBI ने रेड करी है तो CBI को संदीप घोष के फार्म हाउस के बगीचे से कई अहम सबूत जो कि संदीप घोष ने छुपा रखे थे वह बरामद हो चुके हैं। इस मामले में अश्लील वीडियो बनाए जाने को लेकर के सेक्स वर्कर तक को लेकर के बातें सामने आई हैं। डॉक्टर के कई जो महिला ट्रेनी डॉक्टर्स होती थीं उनके साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और उनके शोषण तक की बातें यहाँ सामने आई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पोर्नोग्राफी जैसी चीजें और बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है
उसे तक रीयूज यानी कि दोबारा यूज करने के लिए इलीगली बेचे जाने की भी की खबर आई है, जिस पर पूरी तरह से एक तरह से कहें तो एक बहुत अमाउंट कमाने की कोशिश की जा रही थी। और इन सभी चीजों से अलग तरीकों से जो संदीप घोष है वह पैसे कमाता था, और इसके सबूत भी साथ सामने आ चुके हैं। और इस चीज को लेकर के आज सीबीआई ने 3 जगहों पर लगातार रेड मार की थी। रेड मार में हावड़ा की 2 रूम को तुड़वा दिया। उस बाथरूम को तुड़वाने के साथ ही जो आपने फुटेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि दीवारें टूटी हुई और वह बाथरूम था जिसको तुड़वाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उन पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सवाल एक खड़ा होता है इस मामले को लेकर के कि क्या आरोपी संदीप घोष अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है, ऐसा संभव नहीं होता। यानी कि वह पहले अपनी दरिंदगी को अंजाम दे और फिर अपने बाद में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए यह सब कुछ करेगा, ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर सेमिनार हॉल में यह पूरी वाकया पूरी घटना हुई तो क्या उस जगह उस रात सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहां पर चीख सुनाई किसी को नहीं दी? क्या वहां पर किसी गार्ड की तैनाती 3rd फ्लोर पर थी ही नहीं? अगर यह प्री प्लान नहीं था तो वास्तव में बात यह थी कि उस रात उस फ्लोर पे जिस गार्ड की ड्यूटी थी उसे छुट्टी पर रख दिया गया था, यानी उसे छुट्टी दे दी गई थी और वहां पर किसी को नहीं रहने दिया गया था। और इतना ही नहीं, वहां पर सब जगहों पर संदीप घोष के एक बेहद करीबी दोस्त के घर पर यानी कि विप्लव सिंह के घर पर भी रेड हुई, और विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में जुड़ गया है। और इस मामले में अब एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम खबर यह कि इस वक्त सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर्स को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। वास्तव में वो जिन 4 डॉक्टर को लेकर के बात सामने आई थी और उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर होने की बात कही जा रही है, उन्हें उससे पहले और जेकर हॉस्पिटल में कहीं देखा ही नहीं गया था। और अब आ रही है सबसे अहम बात, जो उस रात ड्यूटी पर गार्ड थे क्या वह गेट के पास सिर्फ सो रहे थे? नहीं, इस मामले में ले उनका बयान भी अब आपको आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जो ड्यूटी पर तैनात गार्ड है उसने बहुत अहम खुलासा किया है। उसने कहा है कि उस रात कुछ अनजान लोग हॉस्पिटल के अंदर आए थे डॉक्टर बिटिया के साथ। शाम 8 बजे जिन ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर के खाना खाया था, अब उस डॉक्टर का भी ट्रेनी डॉक्टर का बयान सामने आया है जो कि काफी डरा हुआ था। और इसका बयान सुनने के बाद अब सीबीआई ने एक और अहम बात सामने रखी है। अब क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी संदीप घोष आखिर क्यों एक बार फिर से क्या सर सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है? क्यों आरोपी संदीप घोष अपना जुर्म कबूल करने के साथ ही संजय राय और अपने आका जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार और जिम्मेदार इंसान है उसका नाम भी ले लिया है? जी हाँ, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यह मामला अब तक एक बार फिर उलझता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक जब सभी कड़ी को जोड़ 4:30 पर के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरी वारदात की रूपरेखा एक दिन पहले यानी कि 7 अगस्त की शाम से तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। जी हाँ, इस बारे को लेकर के संदीप घोष ने पूरी पूरी बात रखी। संदीप घोष ने कहा है कि अगर सीबीआई को मिले हुए सबूत और सीबीआई को मिली हुई बातें सच लगती हैं, तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि अगर डॉक्टर बिटिया को आप देखे ही हैं कि किस तरह से हष्टपुष्ट है, और अगर संजय रॉय को देखा जाए तो टिड्डे सा दिखने वाला इंसान, और अगर इन दोनों के बीच 4:30 से लेकर के 15 तक जिस तरह से रिपोर्ट में आया है अगर इन दोनों के बीच हाथापाई हुई है तो ऐसे में डॉक्टर बिटिया की अंत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की हाथापाई के बीच उसे यानी कि संजय रॉय को एक भी खरोंच ना लगी हो? क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर देखा जाए तो संजय रॉय के बॉडी में एक भी खरोंच उस वारदात के बाद नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि वह करीब 4 पूरी वारदात को अंजाम देकर के निकलता है और नीचे बने एक हॉल में जाकर के चुपचाप बड़े आराम से सो जाता है और अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या ऐसा करने वाला, वारदात करने वाला इंसान उसी जगह पर वारदात के बाद रुकेगा कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो, और अरेस्ट होने के बाद भी
उसने कोर्ट में जाते ही सीधा अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही यह सब कुछ किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। और इन सब चीजों को लेकर के जब कहा गया तो सीबीआई वास्तव में चकरा गई। सीबीआई को भी लगा कि हाँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब एक के बाद एक संदीप घोष ने बयान दिए, अब उन्हें भी आप सुन लीजिए। संदीप घोष ने कहा कि डॉक्टर ट्रेनी बिटिया के बारे में आपको अभी पता चला है, लेकिन मैं काफी समय से जानता हूं और इस पूरे वादित के बारे में डॉक्टर बिटिया को आर जेकर कॉलेज के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लग चुका था। पढ़ा गया है तो वास्तव में कहानी कुछ और ही निकल करके सामने आ चुकी है। उस रात एक नहीं, कई दसियों सवाल पड़े थे जो कि अभी तक अनसुलझे थे, लेकिन अब चश्मदीद की गवाही संजय रॉय और संदीप घोष के बयान, डॉक्टर बिटिया की डायरी और डॉक्टर बिटिया का फोन, साथ ही आरजे करर कॉलेज के तहखाने में छिपे राज ने एक के बाद एक सारी बातों को उजागर कर दिया है। आज इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक एक पॉइंट बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से जुड़ी पूरी की पूरी कहानी इस मामले में किस तरह से उलझी और किस तरह से क्यों हर एक शख्स इस मामले में शामिल हुआ और दरिंदगी की बेइंतहा जो कि गई है, आखिर उसके पीछे का राज क्या है, और अगर की भी गई है तो किस हद तक की गई है, ये पूरी बात आपको इस वीडियो में आज समझ आ जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में वी वॉन्ट जस्टिस जरूर लिखिए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में RIP भी जरूर लिखेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि इन नुमाइंदों को बचाने के लिए जो लोग उतर चुके हैं, जो लोग यह चाहते हैं कि इन्हें सजा ना मिले, उनको भी मनोबल को तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको आगे जो सुनने वाले हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ सपोर्ट करने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है और इन्हें हर संभव बचाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। यह भी आपको आज इस वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो हैवानियत हुई थी, जिस 8 से 9 अगस्त की रात को लेकर के आरोपी संजय रॉय और CBI साथ ही संदीप घोष ने अब तक जो बातें सामने रखी थीं, संदीप घोष और चश्मदीद ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, अब तक यह बात सामने आई थी कि चारमता सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कई बार उठाने की कोशिश भी की, लेकिन अब इस मामले में अब रेप हत्या को लेकर कई बड़े अहम चीजें तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर के बिल भी पास कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में आरोपी नहीं है? जिस तरह से इन्हें बचाने के लिए देश के दिग्गज वकीलों को उतारा जा रहा है, जिनकी फीस करोड़ों में है, आखिर इनकी फीस का भुगतान कौन कर रहा है? आरोपी संजय रॉय, जिसकी इतनी औकात है ही नहीं, या आरोपी संदीप घोष, जो कि खुद CBI के चंगुल में फंसा हुआ है? तो आखिर इन्हें हायर कौन कर रहा है, जो कि 20 से ज्यादा संख्या हो चुकी है? अब आप समझ सकते हैं कि एक की फीस अगर करोड़ों में है तो ऐसे में 20 जो वकील हैं उनकी फीस, यहां तक कि कपिल सिब्बल, जी हाँ, आप सभी ने लगभग नाम सुना होगा कपिल सिब्बल का, उन्हें तक इस पूरे मामले का केस लड़ने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा नए अपडेट के साथ, और आपको कमेंट बॉक्स में वी वॉन्ट जस्टिस अभी भी आपको लिखना है, जब तक उन दरिंदों को सजा नहीं मिल जाए। और यह गतिविधियां कुछ और नहीं बल्कि आर जेकर कॉलेज के अंदर चलने वाली पोर्नोग्राफी है। जी हाँ, यह एक अहम खुलासा किया गया है, जहां पर सोनागाछी से लड़कियों को लाया जाता है, उनके साथ वीडियो शूट की जाती थी, और वीडियो शूट करने के बाद मॉर्फिंग के जरिए उसमें किसी अभिनेत्री, जिसमें एक संदीप घोष खुद भी था, और उन सब ने लगभग लगभग ड्रिंक कर रखी थी, और इस पूरे मामले को प्लान करके अंजाम दिया गया था। उन्हें लगा था कि सेमिनार हॉल में और कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर एक स्वीपर मौजूद था जो वहीं पर सो जाता था, और यह बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी, और अंधेरा होने की वजह से यहां पर कोई देख भी नहीं सका था कि आखिर यहां पर कौन मौजूद है। इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की बातें तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब इस बारे में यह सुन लीजिए कि इन लोगों को बचाने के लिए किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि आरोपी संदीप घोष और संजय राय के इस केस में कोलकाता में यह मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब यह मामला राजनीतिक रंग लेना दिखाई दे रहा है। जी हाँ,
राजनीतिक रूप तो यह पहले ही ले चुका था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है उनका सीधा संबंध कोलकाता की राजनीति से कहा जा रहा है। और अब यह बात स्पष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलकाता की ममता धन्यवाद या फिर किसी और ट्रेनी डॉक्टर या फिर किसी आई हुई मोर्चरी में डेड बॉडी की फोटो लगा करके इन सबको नई वीडियो में बना करके तब इनकी बिक्री की जाती थी, जिससे काफी मोटा पैसा और जेकर हॉस्पिटल में आता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन के तस्करी तक की बातें सामने आई हैं, जिनके अहम सबूत भी तहखाने में मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने यह बताते हुए कहा कि इन सब की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी और वह अपना मुंह खोलने वाली थी, इसलिए इस पूरी वारदात को 7 अगस्त की रात से ही तैयार किया गया था। उसने बताया कि 7 अगस्त की एक रात दिन पहले ही डॉक्टर बिटिया की गाड़ी को खत्म कर दिया गया था, जिसमें से वह आती जाती थी, ताकि वह रात में कहीं भाग ना सके, जा ना सके। और इतना ही नहीं, 26 घंटे की ड्यूटी लगाई गई ताकि वह थक हार के सो जाए। और सोने के लिए भी आखिर वही कमरा क्यों चुना डॉक्टर बिटिया ने, जहां पर कुंडी नहीं थी? और इतना ही नहीं, वहां पर सीसीटीवी भी नहीं होने की बात सामने आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आरोपी संदीप घोष ने यह बात बताई है कि मोर्चरी में जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, जिस तरह से पोस्टमार्टम में बताया गया है, चीजें वैसी नहीं थी। वहां पर जो वारदात हुई थी उससे पहले सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, लेकिन यह कैमरे बाद में हटवाए गए थे पूरे प्लान के साथ। अब आप यह सोच रहे हैं कि सीबीआई के सामने जाते ही आखिर संदीप घोष क्यों तोते की तरह कबूल रहा है, तो बता दें कि संदीप घोष को अब सीबीआई का डर और अपने अंत का डर सता रहा है। उसे यह बात समझ में आ गई है कि अब उसका अंत बेहद नजदीक है। अब इसके तहत उसका आखिरी समय और फांसी की सजा निश्चित हो रही है। ऐसे में वह जरूर बचना चाहेगा इस सजा से, और इसी वजह से डर के साए में आकर उसने अपने एक एक गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो आरोपी संदीप घोष उस रात हुई वारदात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, लेकिन बाद में जब चश्मदीद की तरफ से एक एक बात कही गई, तब उसने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा शुरू किया। उसने कहा कि उस वारदात के समय हम में से 7 लोगों की मौजूदगी थी, जिसमें आरोपी संजय रॉय शामिल नहीं था, उसे बाद में शामिल किया गया था। इस पूरे मामले में पहले 7 लोग थे।